अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस पांच बार नमाज पढ़ो फिर जो मन मा वो करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं, घड़े पाप करते हैं हमारे मुल्क से मुस्लिम भाई, आतंकवादी बन के घड़े। नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो जो मन मा वो करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये रामदेव को गिफ्ट कर रही हूँ, आप उसको बताइए अगर आपको मिले, अगर मिल जाए तो कहिए कि अमन निजी तुझे बुरखा दे रही है, एक बार तू सलवार पहन के भागा था कहानिया बाबा, अब तू पहन के भाग बुरखा, बुरखे में मुंह छुपा। मतलब गलती नहीं कर साले, मजाक बना के रखते हो, आप दूसरे के धर्म को गाली दे रहे हैं, आप इस्लाम को गालियां दे रहे हैं, आप नमाज के कॉन्सेप्ट को उल्टा कर रहे हैं। किसी मुसलमान ने कभी गाली दी किसी दूसरे धर्म को? आप हमारी नमाज को टारगेट कर रहे हैं, आपको लड़ाई करनी है, 1-to-1 आप अमन से लड़िए, 1-to-1 आप मुसलमान से लड़िए, बात तो सही है। लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि नमाज के साथ जो है मुसलमान गलत काम करता है, ये नहीं करना चाहिए। तो मतलब आक्रोश है आप लोगों को? आक्रोश है, बुर्का मिलेगा उसको, बुर्का पहन के ही भागेगा भी, गजब बेइज्जती है। अरे पहले कभी आप संतरा खरीदते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, कभी बुर्का खरीदते हैं, कहाँ से आता पैसा है आपके पास, कहाँ से फंडिंग होती है आपके? तो आपको क्या लगता है मैं इनकी तरह भिखमंगी हूँ? भैया अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हैसियत है कि 4-5 बुरखे इन जैसे आतंकवादियों को मैं गिफ्ट कर दूं। क्या करेंगे, वो तो भगवा कलर पहनते हैं, भगवा चोला पहनते हैं। तो मुंह छुपाए ना आप, पहले जब वो भगवा पहनता था तो सलवार पहन के क्यों भागा था? के जो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने आपसे क्या कह रहे हैं, बाबा रामदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि अदानी के मुद्दे को भटकाने के लिए ये स्टेटमेंट दिलवाए गए ताकि अदानी का मुद्दा दब जाए और ये ना पता चले कि LIC डूब गई तो बैंक डूब गए, ये बात है। अरे बाबा रामदेव तो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके स्वदेशी जो है प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए। नहीं नहीं, उसकी कंपनी का नाम मैं तो मुतांजलि कहती हूँ, बाबा नहीं है तू, तेरे हर देसी घी में तेरे कीड़े निकल रहे हैं, बिस्कुट में तेरे कीड़े निकल रहे हैं, आटे में तेरे कीड़े निकल रहे हैं, तमाम प्रोडक्ट में इसके जो है वो कहीं ना कहीं खराबी। बात तो सही है। ये एक फ्रॉडी आदमी, कहां आप इसको पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसको लाइमलाइट कर रहे हैं, तो एक निहायत ही जलील आदमी है। इस पे ध्यान ना दे, सिर्फ अडानी ने इसके आगे कुछ चुग्गा डाला हुआ कि इस मुद्दे को पढ़ता है। पढ़ेंगी आप लोग? मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ और इसके कहने पे नहीं पढ़ूंगी। हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और हमारी नमाज हमें अमन व अमान सिखाती है। लव जिहाद करते हैं, बेटी को उठा के ले आते हैं, ना ये ड्रामेबाजी है, कोई ऐसा कुछ इस तरह का नहीं है। दूसरी बात, अगर हम भारत में रहते ना तो यहाँ पर शरिया चलता, ना हिंदू राष्ट्र चाहिए। यहाँ पर युवाओं को इतनी आजादी होनी चाहिए, मेरी बहनों को इतनी आजादी होनी चाहिए, कम से कम एक ऐसा डिसीजन जहाँ पर हम अपना लाइफ पार्टनर चुनने जा रहे हैं वहां तो हमें आजादी होनी चाहिए कि हम किसको चुनेंगे। वहां भी टूटी हुई टांग, पौने दो आंख वाला कहानियां टांग अड़ाएगा। आरिल के शक्ल का फड़वा साला, रामदेव को बुरखा दे देना चाहिए कि बुरखे में अब छुपके रहे, क्योंकि तेरे क्या, वो क्या करेंगे? नहीं बुरखे में छुपके रहना, तेरे बगौल तो 10,000 मुसलमान औरतें छुपके रहती हैं, तू अगर छुप कर रहेगा तो कम से कम सेफ रहेगा, क्योंकि अगर तू समाज में ऐसे ही उतरा तो हो सकता है कोई मनचला कोई सर पीड़ा जिसको भारत की फिक्र हो वो तेरे कर दे तेरा काम तमाम। वीडियो को लाइक करे शेयर करे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।